स्टूडेंट आपको हम बताएंगे इस वीडियो में 7.2 के 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने उसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आपको भी आई बटन पे भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं 11 वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर है एक्स अपान रूट में एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था 7 वाले क्वेश्चन में इस तरीके के ट्रिक, ठीक है। तो क्या करना होता है आपको सिंपल करने के लिए, क्या करना होता है यहाँ, उसमें क्या था, इनटू में था, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को जब यहाँ पर रूट में हो और वही पावर हो, यहाँ पर एक्स का पावर वन है, यहाँ पर भी एक्स का पावर वन है, तो क्या क्या करना होता है, आप इसको कर सकते हैं एक्स प्लस, यहाँ पर फोर है तो आप इसमें फोर ऐड कर दीजिए, फोर को माइनस कर दीजिए, और अपान में यहाँ पर रूट एक्स प्लस फोर है तो ऐसे ही इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स प्लस फोर को हम इससे अलग कर देंगे, ठीक है, और माइनस में इस फोर वाले को अलग कर देंगे, फोर अपान में रूट में एक्स प्लस फोर डी एक्स। सबको इतनी बात समझ में, हमने इसको एक बार अलग किया फिर इसको एक बार किया, ठीक है, फोर और इसको, ठीक है, इतना बात सबको समझ में आई होगी। और आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दी, जैसे एक्स अपान रूट में एक्स है तो आप इसको रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसी टाइप का यहाँ पर है, एक्स प्लस फोर है और रूट में एक्स प्लस फोर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस फोर रूट में, ठीक है, डी एक्स माइनस, यहाँ पर ये है, जैसे अगर वन बाई एक्स रूट में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में, यहाँ पर मतलब इसको हम लिखते हैं वन बाई एक्स पावर वन बाई टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, बस यही पावर इस तरीके से यहाँ पर है। इसको फोर बाहर ले लेते हैं इस इनटू को, और यहाँ पर बचेगा क्या आपका, रूट में मतलब वन बाई एक्स पावर एक्स प्लस फोर, ठीक है, वन बाई एक्स प्लस फोर रूट में आपका बचेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है, इनटू डी एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। इसके बाद आते हैं इसको क्या करना है, इसको अब आपको समाकलन कर देना है, तो इसका समाकलन करना है इस तरीके से, यहाँ पर वन बाई टू है, वन बाई टू प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर थ्री बाई टू आ जाएगा, और यही आपको आगे लिख देना होता है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, माइनस यहाँ पर फोर है, यहाँ पर एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन बाई टू है, इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें एक ऐड करेंगे माइनस वन प्लस टू, यानी कि माइनस वन प्लस टू अपान में टू, तो ये आ जाएगा आपका वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू आ गया, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर कर देना होता है, यहाँ पर टू बाई वन कर देंगे, ठीक है, इंटू में यहाँ पर आ जाएगा टू बाई थ्री एक्स प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू, और यहाँ पर माइनस चार दोनों आठ हो जाएगा, और एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस में सी को ऐड कर देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स क्यू माइनस वन की पावर वन बाय थ्री इंटू एक्स पावर फाइव डी एक्स, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो पहले सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये इसमें चेंजेस कर लेना है, वो चेंजेस क्या है, एक्स पावर थ्री माइनस वन इंटू वन, यहाँ पर वन बाई थ्री है पावर इसका, इंटू यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर एक्स पावर फाइव है, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स पावर फाइव को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वन को टी हम मान सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वही करना है, एक्स क्यू माइनस वन को क्या मान लेना है, टी मान लेना है, तो इसका अवकलन कर देना है, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये इसका माइनस वन का जीरो हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से डी एक्स का मान जो आ जाएगा डी टी अपान में थ्री एक्स स्क्वायर, ये इंटू में है तो इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कर देना है, ये एक्स क्यू माइनस वन के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी की पावर वन बाई थ्री, और इंटू में यहाँ पर एक्स क्यू है, इंटू में एक्स स्क्वायर भी है,
और डी एक्स के स्थान पे हम क्या रखेंगे, इस पूरे के स्थान पे क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं डी टी अपान 3x2। ठीक है, और यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या, यहाँ पर टी की पावर 1/3 और ये है एक्स क्यू। एक्स क्यू को हम यहाँ से इसका एक्स क्यू का मान भी निकाल सकते हैं, ये एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, टी प्लस वन, क्योंकि ये -1 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी प्लस वन, एक्स क्यू को हम टी प्लस वन लिख सकते हैं, और इंटू में डी टी। ठीक है, अब इसका इसका हमें मल्टीप्लाई करा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 1/3 में ये पावर इसका 1 होता है, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 1 है तो यही आएगा टी पावर 1/3 डी टी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, यहाँ पर इसको आपको हम बता देते हैं सिंपलीफाई करके, टी पावर 1/3 का गुणा हम कराएंगे टी पावर 1 से, तो ये आ जाएगा टी पावर 1/3 प्लस 1, यानी कि आपका ये टी पावर 1 प्लस इसका इसमें गुणा करा देंगे 3/3। ठीक है, तो ये पर आ जाएगा टी पावर 1+3 यानी कि 4/3। ठीक है, बस यही किया गया है। तो यहाँ पर इसका जब हम करेंगे क्या समाकलन, सॉरी यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टी की पावर, इसमें हम एक ऐड करेंगे, ठीक है 4/3 + 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको हमने बताया था ट्रिक इसके लिए, इसको 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 ऐड कर देना, यानी 7/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7/3 आ जाएगा, और इसको आगे लिख देना है आपको 3/7, इसका जस्ट उल्टा करके। ठीक है, और यहाँ पर इसमें कितना ऐड करना है, इसमें भी 1 ऐड करना होता है और वही डिवाइड में रखना होता है ना, आपको पता है फार्मूला। तो यहाँ पर टी पावर 1/3 में 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4/3, और इसका जस्ट उल्टा आपको आगे रख देना होता है। ठीक है, आप इसे विस्तार से भी कर सकते हैं, आपको हमने पीछे विस्तार से इसका बताया है। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है, ये यहाँ पर हो जाएगा ये 3/7, और टी का मान यहाँ पर रख देंगे हम यहाँ से। ठीक है, टी का मान हमारा क्या था, x³ - 1, x³ - 1 की पावर 7/3 और प्लस में 3/4, यहाँ पर x³ - 1 की पावर 4/3। ठीक है, प्लस में सी, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अभी थोड़ा सा मिस्टेक, हमने यहाँ पर 1/3 को नहीं रखा था, तो इसको हम बाहर रख देंगे, 1/3, 1/3, और यहाँ पर भी 1/3। ठीक है, यहाँ पर भी 1/3 को बाहर रखेंगे, इसका जब इसमें इंटू करा देंगे और एक बार इसमें इंटू करा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/1/3, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/7 x³ - 1 पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 पावर 4/3। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 1/3 को इंटू में नहीं कराया था। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, यहाँ पर 13वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर है x² / 2 + 3x³ पावर 3। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 + 3x³ को क्या मान लेना है, t मान लेना है। ठीक है, तो इसके बाद इसका अवकलन कर देना है, यहाँ पर 3 इंटू इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 3x² आ जाएगा। ठीक है, इंटू dx इक्वल टू dt, यहाँ से dx का मान निकाल लेना है, ये dt अपान में यहाँ पर 9x² 9x². ठीक है, उसके बाद इसमें रख देना है, यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर x² / 5 में यहाँ पर इसके स्थान पे क्या रखना है, t रखना है, t की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर q है, इंटू dx के स्थान पे इसको रखना है dt / 9x² और यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/t³, और यहाँ पर 1/9 को हम बाहर ले लेते हैं और dt। ठीक है, यहाँ पर 1/9, यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में पावर है तो यहाँ पर टी की पावर -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/9 इंटू इस में फार्मूला लगा देना है x^n वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर -3 + 1 / -3 + 1, तो इसको हम कर सकते हैं 1/9, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, टी की पावर -2 / -2, और ये आ जाएगा क्या, इसको हम गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा -1/18, और टी की पावर -2 है, इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/, यहाँ पर इसको हम नीचे लाएंगे तो ये
टी की पावर माइनस टू है तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस वन बाई एटीन इंटू यहाँ पर वन बाई टी की, टी का मान यहाँ पर रखेंगे ये 2 + 3x³, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। यहाँ पर इसके आगे का जो क्वेश्चन है 14, ठीक है। यहाँ पर 14 कुछ यहाँ पर इसमें है 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मानना है आपको, log x को क्या मान लेना है, log x को t मान लेना है। यहाँ पर log x का जब हम अवकलन करेंगे तो 1/x dx आता है = dt। तो यहाँ से dx का मान आ जाएगा क्या, x into dt, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम इसको 1/x (log x) के स्थान पे क्या रखेंगे, t रखेंगे, t की पावर m, क्योंकि यहाँ पर पावर m है, इंटू में कर देना है dx के स्थान पे x into dt, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/t की पावर m dt, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं टी की पावर माइनस एम ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पर प्लस में एम था, तो नीचे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एम में हो जाएगा dt, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको आपको फार्मूला लगा देना है x पावर n वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर माइनस एम प्लस 1/-m+1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसका मान रख सकते हैं, टी का मान रखेंगे तो यह जगह log x की पावर 1-m/(1-m), ठीक है। हमने इसको आगे पीछे कर दिया 1-m, और यहाँ पर भी 1-m, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं, ठीक है, इंटू में प्लस यानी प्लस में सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इसके 15 क्वेश्चन पे, यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर है x/(9-4x²dx), ठीक है। तो इस तरीके का है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको 9-4x² को क्या मान लेना है, t मान लेना है। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे 4 × x² का करेंगे तो 2x आता है, ठीक है। dx = dt, यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर dt/में ये आ जाएगा 8x, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस भी रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें पुट कर देना है, यहाँ पर ये x/, इसके स्थान पे हमने t माना है तो इसको हम t रखेंगे, इंटू में ये dt/-8x, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको 1/-8 को बाहर ले लेंगे तो -1/8 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/t dt, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, हमने क्या किया है यहाँ पर 1/-8 को बाहर कर लिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर बचा 1/t (dt), ठीक है। यहाँ पर 1/8, और यहाँ पर आपका इसको पता है कि 1/t dt का क्या होता है, log t, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा log t, और यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे 1/8, टी का मान रखेंगे लॉग, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसको यहाँ से रख सकते हैं 9-9-4x², ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, वो स्टेप क्या है आपको हम बताते हैं। यहाँ पर जब कभी माइनस हो और लॉग के साथ कुछ भी हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1/8 log, ठीक है। इसको आप माइनस को हटाने के लिए 1/ इसको आप नीचे कर देंगे, ठीक है, 9-4x² को नीचे आप रख देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें प्लस में सी भी रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी छोड़ देना है तो भी ये आपका आंसर सही है, यहाँ पर अगर कर देते हैं तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इस वीडियो में इतना ही, और आपको हम इसी तरीके के वीडियो आपको हम लाते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।